सो हेलो एवरीवन और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ से निकल चुके हैं? घड़घोड़ा से। आप देख रहे हैं यहाँ पर होगा, ये हमर घड़घोड़ा है। जी हाँ, ये रायगढ़ से करीबन 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं आजकल ट्रेनिंग्स के, तो कुछ टीम लीडर्स लोग ऑफर दिए थे कि पिकनिक का, तो वहाँ पर हम लोग पिकनिक में इनवाइट किया गया है, तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। पूरा बोला जाए तो पूरा वातावरण का लुक तो हम लोग उठाने वाले हैं। और अभी मॉर्निंग टाइम है, सुबह 7 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और 7 बजे तक पूरा लंबा लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग को चलने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर मिलेगा छत्तीसगढ़ का, कहा जाता है मिनी गोवा। तो सतरंगा में समुद्र का लहरें भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो देखते रहिए। और प्रकाश जी भी है एकदम एक्साइटेड है, मजा आने वाला है। और ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग घरघोड़ा से निकल चुके हैं और बाइक से हम लोग गए पूरा प्रकृति को देखते हुए, जहाँ पर नदी नाला और देखा जाए तो एक से एक बड़े जंगल, घनौरी जंगल में हम लोग घुसते गए। मज़ा भी आ रहा था, मौसम भी बहुत ही गजब का सुहाना था। आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारे गांव जगह था जिस गांव में हम लोग घुसे। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, तो हम लोग कोरबा सिटी के अंदर घुस गए। हम लोग को एक्चुअली बाईपास से जाना था, बट हम लोगों को नए थे, समझ में नहीं आया। इसी बहाने हम लोग कोरबा सिटी को देखे। कोरबा सिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट्स हो गया है, काफ़ी अच्छा तरीके से, और धीरे धीरे और विकसित हो रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे दुकानें, अच्छे अच्छे मॉल, अच्छा। और कहा जाता है कोरबा को बोला जाता है ऊर्जावान। ऊर्जावान मतलब कोरबा जो ज़िला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का वहाँ पर उद्गमन होता है, मतलब वहाँ कोयला बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और जो भी लाइट करंट वहीं से सप्लाई होता है हमारे छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी उनका प्रमोट मतलब भेजा जाता है। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा खदान है ये, कोयले की खदान। जी हाँ, जहाँ हम लोग को जाना अलाउ नहीं था, बट दूर से वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इतने बड़े पहाड़, मतलब एक छोटा सा पहाड़ है, मतलब अब धीरे धीरे आपको रियल पहाड़ दिखेगा, जो इतने धीरे धीरे जैसे जाते गए इतना आनंद, इतना खुशी लग रहा था जब हम लोग देखे ये पहाड़ को, कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ के अंदर हम लोग घुसते हुए गए। और देख सकते हैं जंगल, कितने खतरनाक जंगल, और रोड में भी एकदम सूमसाम, कोई ना आ रहा था ना तो कोई तो जा रहा था, बस चले ऊपर चले जा रहे थे। ये सोच रहे थे कब आएगा। करीबन 140 किलोमीटर दूर हम लोग तय किए, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला बीच बीच में। और वहाँ के आदिवासी क्षेत्र में लोगों से मिले, लोगों से बात किए, धीरे धीरे सोच रहे थे कब आएंगे। करीबन हम लोगों को 4 घंटा लगा, मतलब हम लोग 11:30 बजे पहुँचे। हम लोग रुके बीच में, ब्रेकफास्ट भी किए, और धीरे धीरे जा ही रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, आप देख सकते हैं वीडियो में कितने इन्जॉयमेंट, कितना मस्ती के साथ हम लोग जा रहे थे। और पहाड़ जैसे पास आ रहे थे, पहाड़ के इतने बड़े बड़े पहाड़ पास से जब देखोगे तो एक अलग ही फीलिंग होता है। आप वीडियो में देख रहे हैं, तो एक बार जब सतरंगा जाएंगे, सतरंगा बोला जाता है मिनी गोवा के नाम से फेमस है, और जाते रहे थे कब आएगा, बट नज़र ही नहीं आ रहा था हमको बड़ा सा बांध। फिर भी हम इसी चीज़ में थे कि आएगा, देर आए दुरुस्त आए, रुको जरा सब्र करो, फल जरूर मीठा होता है। और धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं ये सतरंगा की करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे थे ये बड़े बड़े पहाड़, तो बहुत व्यू हम लोगों को मिला, और ये पहुँच गए सतरंगा। सतरंगा बोलते हैं ये गांव है, और गांव के नाम से ही इनका नाम बसा है सतरंगा। और हम लोग रोड भूल गए थे, फिर हम लोग रिटर्न हम लोगों को आना पड़ा, और धीरे धीरे ऑलरेडी हम लोग पहुँच गए हैं ये सतरंगा। इस वीडियो में आप देखेंगे सतरंगा, ये गार्डन है, ये आगे अंदर में रिसॉर्ट है, बहुत बड़ा पूल है, और आगे हम लोग जाके हमने किए क्या पिकनिक प्रोग्राम।